अभी हुआ ये डॉग को तुम्हें काटा हो, काट लेते हो। ये देखो कैंसर वाला है। कैंसर है यार। वेलकम बैक अनु ब्लॉग 02। कैसे हैं आप सब? तो मैंने कुछ देखा तो आज आप लोगों को सोचा क्यों रहे यार इस पर एक ब्लॉग कवर करूं। तो मैं भी वेट कर रहा हूं उनके आने का। यहाँ के जो मैंने कई शॉर्ट्स डाले डॉग के ऊपर, उसमें आप लोगों को अच्छा प्यार मिला, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आज दिखाता हूँ उनकी जर्नी, कौन है वो भाई, कहाँ से आते हैं, क्या है। तो मैं उन्हीं के इंतजार में बैठा हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हो ये अभी तो आए नहीं डॉग, बट बैठे हुए हैं। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं उनका, ये खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। घड़ियाँ खत्म हुई इंतजार की, मैं इंतजार कर ही रहा था और वो भाई देखो सामने आ रहे। चलो देखते हैं, वो देख सकते हो मेरे सामने वो भाई आ रहे, वो आवाज लगा रहे और भागना चालू। तो ये मेरे साथ भाई साहब हैं जो जिनके बारे में बता रहा था, खाना वाना खिलाते काफी टाइम से। तो चले इनसे पूछते क्या है इसके पीछे की स्टोरी, कौन है इनको खाना खिलाता जो पर डे फीड कराता है वो भी फ्री में। तो चलिए जानते चाचा से ही। तो ये कितने समय से दादा खिला रहे? मैं 7-8 दिनों से बैठता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो बहुत दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअली मैं जब इसे ऑटो ड्राइविंग कर रहा हूँ इनको फूड ले जाने का, तो एक साल से मैं कंटिन्यूस चला रहा हूँ, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक साल से मैं लेके आ रहा हूँ। और इनका जो है कि रेगुलर जो है कि है फीडिंग का, राजू भाई स्पॉन्सर है इसके, जो है ग्रुप से जो है अपना उन लोगों का जो सब जो है कि मैनेजमेंट राजू भाई करते हैं, राजू गराड़िया। अच्छा राजू जी कौन है, क्या करते हैं? राजू भाई है वो अपना ये बिल्डिंग में रहते हैं, इन सब रोड वाले जो बिना खाए पिए रह जाते हैं बेचारे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको जो है कि फीडिंग करते हैं। ये घरेलू के लिए नहीं, जो रोड के जितने भूले बिसरे डॉग। हाँ स्ट्रीट पे मैंने देखा है काफी ज्यादा। तो कहाँ कहाँ तक आप लोग खिलाते हैं खाना? यहाँ अक्सा बीच से होकर के अभी हम लोग मारवे बीच, मारवे टर्निंग पॉइंट तक जाएंगे, INS हमला तक जाएंगे, वहाँ से लेकर के और मोड़ बीच तक, और लास्ट में रहेगा एक जोटका तक खिलाते। ओके, कितनी बार दिन भर में इनको फीड कराते? ये हम लोग शाम के टाइम फीडिंग कराते हैं। और ये पूरा बनाने में ना सुबह से लग जाता है, 10 बजे से ब्रिजेश भाई है, 10 बजे से पूरा बनाते हैं खाने का। अच्छा ब्रिजेश भाई वही वो जो अभी खाना खिला रहे थे, वही ब्रिजेश भाई वही खाना बनाते हैं? खाने जो बनाने का काम है और फीडिंग कराने का साथ में पूरा उनका काम है। अच्छा अच्छा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बेचारे करते हैं और अच्छा से करते हैं। नहीं नहीं वो मैंने देखा, क्योंकि मैंने एक शॉट डाला था आप लोगों का, बिना आप देख नहीं रहे थे उस टाइम पे, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड आया था मुझे। तो देखिए इसमें क्या है ना, अपने को बहुत खुशी मिलती है। नहीं नहीं ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लोग दिखते नहीं है। और डोमेस्टिक जानवर ये सबसे वफादार जानवर है, इंसान के अंदर इंसानियत चली जा रही है लेकिन इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ये बिल्कुल सच्चाई सच्चाई, मैंने देखा एक आवाज भी आ जाते हैं, एक बार आवाज लगाएंगे सारे के सारे चले आएंगे उन लोग को देख करके। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ चलता है कि उनका जो है दोस्त लोग है। देखो इसका नाम है, ये देखो इसका नाम है पगली, ये है फाइटर। फाइटर देखो नाम बताता हूँ, देखो ये पगली है, पगली ये फाइटर है, धोनी है और भालू है, भालू है, व्हाइट वाली बात है। तो एक कुकिंग कब से कर रहे हैं ये? ये हमको हो गया 8 महीने। 8 महीने ओके। तो आप इन्हीं के लिए खाना पर डे बनाते हैं? हाँ, इन, सिर्फ डॉग्स के लिए? खाली डॉग्स के लिए। ओके, कहाँ से हैं आप वैसे? यूपी से। यूपी, ओके। तो ये नाम ब्रिजेश भैया? हाँ ब्रिजेश कुमार मौर्य, ब्रिजेश भैया, ब्रिजेश भैया यूपी से ही हैं। तो यहाँ मढ़ में मुंबई में खाना बनाते, डॉग को खिलाते। मैंने थैंक यू सो मच ऐसे लोगों को कि ये यार मतलब अपना सेवा भाव पूरा देते। एक आवाज लगाते हो तुम आ जाते, क्या कौन क्या नाम ले रहे थे, टाइगर क्या बोल रहे थे? फाइटर धोनी, वो है पगली। पगली धोनी कौन है भैया इसमें? अच्छा ये धोनी है, बाकी तो बहुत से नाम है उतना याद नहीं है। नहीं नहीं तो पूछेंगे तो सबका नाम बताएंगे। ये देखो व्हाइट नेपाली उधर है, क्या है उसका नाम? उसके आगे पड़ोसन की है, सबका नाम। ये भाई साहब इतने नाम रखे हैं मुझे खुद नहीं। अभी सेकंड राउंड आएगा अभी उधर पे, वो बीच। अच्छा उधर जाएंगे अभी सेकंड राउंड, अभी तो बहुत ज्यादा अभी वहाँ पे भी मिलेंगे। तो यही है ब्रिजेश भैया हमारे साथ, तो आज मैंने मिला भी दिया और बात भी कर लिया। तो देख लो ये अगर कुछ सवाल रह गया हो, मन में आपके कुछ रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। या ब्रिजेश भैया कोई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ चलाते हैं? हाँ इंस्टाग्राम चलाते हैं ब्रिजेश भैया, इंस्टाग्राम चलाते हैं, अपनी आईडी बताएंगे? बी के मौर्या एस ब्रिजेश भैया की ये आईडी है। तो अगर कुछ भी आपके मन में रहता है इंक्वायरी को लेकर के या डॉग से, आईडी आपको बता ही दिया। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह अगर आप कुछ 9511991263 एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए 9511991263। सेकेंड राउंड है ये देखो, बड़ी लाइन से सजा के लगा के रखा है, देख सकते हो ना एक एक साइड से कैसे कैसे के देखो। अरे भाई काटना मत, तू से खा रहे बैठे सभी। ये देखो कैंसर वाला है।
हाँ कौन सा है? कैंसर वाला है। कैंसर है इसको? कैंसर हो गया इसको। कैंसर हो गया इसको? अच्छा कैंसर हो गया फिर भी जिंदा है। अरे इसको कैंसर, मतलब इसको कैंसर हुआ सच में? हाँ रियल में कैंसर वाला ही है, फिर भी जिंदा है देखो मस्त एकदम जीरा। तो भाई ये बोल रहे भाई साहब कैंसर वाला है देखो सामने, मैं जाने में डर लग रहा है क्योंकि ये दौड़ा ले रहे हैं मुझे यार, ये इसको कैंसर हुआ है। काट मत ले कोई, बस कोई टेंशन नहीं, एक भी चैलेंज है, चैलेंज एक भी नहीं काटने वाला है। ये डिब्बा उठा रहे भैया, खाना वो सब खा चुके, कई बार डिब्बे मैंने देखा है दांत में दबा के लेके चले भी जाते हैं, है ना? बहुत से चले जाते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं भाई, ड्रामेबाज है तुम्हारे सारे के सारे, बड़े कलाकार है भाई हमारे सर जी, भी कलाकार है, भी कलाकार है, ये तो है भाई। अच्छा ऐसा कभी हुआ ये डॉग तो तुम्हें काटा हो, काट लेते हो? नहीं, ये डॉग अपने कभी भी नहीं काटा, कभी नहीं काटे कभी। और कभी किसी डॉग ने काटा आपको? हाँ एक डॉग काटा, फिर भी आपने काम करना बंद नहीं किया? नहीं बंद नहीं किया। अक्सर बीच में सैकड़ों के बीच में जो है कुत्ते जाते हैं लेकिन किसी को काटते नहीं है, चैलेंज है एक साल से मैं देख रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों कभी किसी काटे तुम? इनको तो घर का तीन बार काटा, तीन बार तीन बार काटा, फिर भी तुमने काटा, फिर भी तुम्हें खिलाना बंद नहीं किया? काटेंगे मरेंगे थोड़े यार, इंजेक्शन ले लेंगे बस, रेबीज का इंजेक्शन आता है गिर जाता है एकदम कचरा हो जाता है, उनको कितने बार दवा दे दे करके उन्होंने सही किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी नई स्टोरी नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। चल के इधर 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 आ जाओ, जाओ खेलते खेलते।